तो गाइस ये हमारे पास है यू एंड आई का क्रैश सीरीज का एक नेक बैंड। इसके साथ कौन से फीचर्स है, बैटरी लाइफ वगैरह कितनी है, सभी बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए। अभी तक मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया, फटाफट से मैं इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें कोई भी यूज़र मैनुअल वगैरह देखने को नहीं मिला है इस नेक बैंड के साथ, मगर यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी जैसे कि आपको कितना बैटरी बैकअप वगैरह देखने को मिल जाएगा। टॉक टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30 आवर्स का हमें जो बैटरी बैकअप है वो देखने को मिल जाता है। म्यूजिक टाइम की अगर हम बात करें तो 29 आवर्स का हमें यहाँ पर बैटरी लाइफ वगैरह देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर आपको कोई भी यूज़र मैनुअल वगैरह देखने को नहीं मिलता है। देखते हैं अब नेक बैंड किस तरीके का है। सो कुछ इस तरीके की हमें पैकेजिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी एक यूएसबी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है जिसके थ्रू आप आपके नेक बैंड्स को चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई भी माइक्रो यूएसबी केबल है जिससे आप आपके मोबाइल को चार्ज कर रहे हो, उससे भी आप इस नेक बैंड को चार्ज कर सकते हो। आपको इस यूएसबी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। सो फटाफट से देख लेते हैं अब नेक बैंड को, सिंपली हम इसको बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। सो ये हमारे नेक बैंड्स यहाँ पर अनबॉक्स कर लिए हमने। सो ये है हमारे नेक बैंड्स, क्वालिटी जो है काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर एक मैट टाइप का फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। बटन की क्वालिटी आपको थोड़ी चीप देखने को मिल जाती है, इतनी अच्छी बटन्स की क्वालिटी नहीं है, मगर वर्किंग काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको दोनों भी साइड से मैग्नेटिक होल्ड देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद नहीं, ये आपके फिजिकल बटन्स, यू एंड आई की ब्रांडिंग, एंड यहाँ पर आपको माइक भी देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही साथ ये है आपका चार्जिंग का पोर्ट, यहाँ से आप जो है इस नेक बैंड को चार्ज कर सकते हो। अब यहाँ पर इनको टर्न ऑन कर, लेकिन आपको जो मिड का बटन है उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। यहाँ पर लाइट ब्लिंक होगी, इसका मतलब आपके जो नेक बैंड है वो यहाँ पर पेयरिंग मोड में जा चुके हैं। सिंपली डिवाइस में जाइए, ब्लूटूथ ऑन कीजिए एंड इनको कनेक्ट कर लीजिए। और जो बटन्स आपको देखने को मिल जाएंगे वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन के, इनको अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखते हो, प्लस को होल्ड करके रखोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होगा, माइनस को होल्ड करके रखोगे तो प्रीवियस सॉन्ग प्ले होगा। कुछ इस टाइप का इन सभी फिजिकल बटन्स का यूज़ यहाँ पर आप कर सकते हो। सो डिज़ाइन के मामले में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर मैट टाइप की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, प्रीमियम क्वालिटी की फिनिशिंग है, अच्छे खासा लुक आपके यहाँ पर नेक बैंड्स को आ जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो बटन्स प्रोवाइड किए थोड़े से हल्की फुल्की क्वालिटी, मगर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि साउंड आउटपुट की, तो काफ़ी डिसेंट साउंड आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस प्राइस सेगमेंट में। लगभग जो आपको 500 to 600 के प्राइस रेंज में ये जो नेक बैंड्स है वो देखने को मिल जाते विदाउट ऑफर, एंड विथ ऑफर शायद हो सकता है आपको 400 में देखने को मिल जाए। मगर इनकी जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हमें देखने को मिल जाता है, लगभग 30 आवर्स का आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी टाइम तक जो इनको यूज़ कर सकते हो। साउंड आउटपुट आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाता है। एंड जैसे कि मैं हर टाइम कहता हूँ, अगर आपको काफ़ी अच्छा बेस वगैरह चाहिए तो आपको यहाँ पर कोई इक्वलाइजिंग ऐप यूज़ करना है। इक्वलाइजिंग ऐप अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको डिसेंट टाइप का यहाँ पर जो बेस इफेक्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा इन नेक बैंड के साथ। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिए, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, साउंड आउटपुट भी डिसेंट है, एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बस आपको यूज़ अच्छे से करना है। सो और भी बाकी कुछ आपको क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। परचेस करने के पहले अगर आपको कुछ क्वेश्चन आते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, उनके आंसर्स में जरूर दूंगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।